लेट्स स्टार्ट आर वीडियो। इस वीडियो में हम प्लेट्स बनाएंगे, कर्ली और पार्ट्स को जोड़ेंगे। पहली वाली वीडियो में हमने बेल्ट बनाया था, इस वाली वीडियो में हम पार्ट्स जोड़ेंगे कर्ली के साथ और प्लेट्स बनाएंगे। तो अभी हमने इसमें प्लेट्स नहीं डालनी, पहले हम इन सबको जोड़ लेंगे। तो अभी हमने पार्ट लिया है, पार्ट को हमने सीधे रखा है और उसके ऊपर हमने कर्ली रखी है जो कि हमारी उल्टी है। ठीक है, हमने सीधा और उल्टा का निशान लगा रखा है तो इसलिए हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट हमारा सीधा है और कौन सा उल्टा है। ठीक है, तो हमने सीधे पार्ट पे उल्टी कली रखी है। अब इसको सिल लेंगे दोनों को इक्वल रख के। दोनों कपड़ा बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इसको एक साथ सिल लेंगे। ऐसे ही करके हमें चारों कलियों को जोड़ना है। दो पार्ट है, चार कली है, एक पार्ट पे दो कली लगेगी। अगर हम पार्ट सीधा रख के कली उल्टी रखेंगे तो हमारा जॉइंट जो है वो बिल्कुल सही जुड़ेगा। हमें बस निशान को ध्यान में रखते हुए कपड़े को जोड़ना है। प्लस जो हमारा आसन वाला साइड है वो ऊपर की साइड रहेगा, और जो 3 इंच उसका साइन था, जो हमने गोलाई दी थी 3 इंच की, वो नीचे रहेगी। ठीक है, तो अभी हम ये दूसरा जोड़ रहे हैं। इसको हमने पार्ट को ऊपर रखा है और कली नीचे रखी है। इसमें हमने कली को सीधा रखा है और पार्ट को उल्टा रखा है, जैसे कि यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है, ये उल्टा कपड़े का निशान है। तो ये हम दूसरी बार जोड़ रहे हैं। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे एक और कली को जोड़ेंगे पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमने पार्ट और कली जोड़ लिए। तो अब ये हमने एक साइड कली जोड़ी है, अब हम इसके दूसरी साइड पे कली जोड़ेंगे। ये हमने सीधा रखा है कपड़ा, अब इसके ऊपर हम उल्टी मतलब उल्टा निशान जो हमने लगा रखा था क्रॉस का, वो वाला जोड़ेंगे। ये हमारे पास दो कली है, इसको हमने अलग किया। अब हम इस पे, ये हमारा सीधा कपड़ा है तो इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ठीक है, और ये हमने कपड़ा इस साइड से कर लिया है। दोनों कपड़ों को इक्वल रख के ही सिलाई करनी है। हमें बस मतलब निशान का ध्यान देना है कि हमारा कौन सा साइड सीधा है कौन सा उल्टा है। जब भी हम दो कपड़ों को जोड़ते हैं तो उस पे हम दोनों साइड एक जैसी आई, तो इसलिए हम एक साइड उसका उल्टा रखते हैं और एक साइड सीधा, तो हमारा कपड़ा बिल्कुल सही जुड़ता है। ऐसे ही हमें पार्ट को भी जोड़ते हुए करना है। जो हम कपड़ा रख रहे हैं वो एक साइड सीधा होना चाहिए और एक साइड उल्टा होना चाहिए। जैसे कि हमारा भी ये उल्टा था, ये हमारी सीधा कपड़ा है, तो अब इसके ऊपर हम उल्टा कली रखेंगे। ये हमारे पास और एक ही पीस बचा है जिसको हम इस साइड जोड़ देंगे। ये हमने उल्टी कली रखी है, इसको भी हम जैसे हमने सारी कली और पार्ट्स को जोड़ा है वैसे ही इसको भी जोड़ लेंगे इसके साथ। अगर हम निशान को ध्यान में रखते हुए सिलाई करेंगे तो हमारा जो पार्ट और कली है वो बिल्कुल सही जुड़ेगा, कहीं से भी कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी इसके अंदर। बस आपको निशान का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने चारों कलियों को जोड़ लिया है पार्ट के साथ। अब हम आसन जोड़ेंगे। ठीक है, आसन भी जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक जो हमारा पार्ट है ये वाला, जो हमने तीन दो हमने जॉइंट्स लगाए हैं इसके अंदर, दो कलियां हैं, तो अब इसको हम सीधा रखेंगे। ठीक है, इस वाले कपड़े को सीधा रखेंगे और जो हमारा दूसरा दूसरा वाला कपड़ा है उसको हम उल्टा रखेंगे। ठीक है, ये देखो हमने उसको सीधा रखा और इसको उल्टा रखा है। ठीक है, अब हम दोनों कपड़ों को मैच कर लेंगे, बिल्कुल पार्ट सब पार्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारा ये आसन है। ठीक है, हम इन दोनों आसन को भी जोड़ेंगे। इन दोनों आसनों पे सिलाई लगाएंगे और
जो हमारा आसन का सिलाई है ना, उसके ऊपर हम दो सिलाई लगाएंगे, ठीक है। आसन पे हम दो सिलाई लगाएंगे, ये हमारी एक सिलाई लग गई है। अब हम इस पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को इक्वल रख के ही सिलाई करेंगे, ऊपर नीचे नहीं हो, नहीं तो फिर हमें प्लेस डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप दोनों कपड़ों को बिल्कुल ही बराबर रख के ही सिलिए। ये हमारा दूसरा साइड है, जो हमारा आसन है, इसको भी हम सिल लेंगे ऐसे ही जैसे हमने उस वाले को सिला है। और इस पे भी हम डबल सिलाई ही लगा लेंगे, जैसे हमने उस वाले आसन पे लगाया है। तो ठीक है, ये हमारा, ये हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको आसन से आसन मिला के देख लेंगे एक बार। एक्स्ट्रा धागा जो भी था वो हमने काट लिया है। अब ये देखिए, ये हमारा जो साइड का है, ये हमारे दो पार्ट्स हैं, प्लस ये दो कलियाँ, ये हमने बीच में पार्ट जोड़ा है, बाकी साइड साइड में हमने कली जोड़ी है। ये हमारा आसन है बीच का, ठीक है। अब हम आसन, ये जो हमारा आसन है, ये हमारा बैक का आसन है, तो ठीक है। तो इस पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। आप चाहे तो दूसरे साइड पे भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे। जो 3 इंच का निशान हम लगा रहे हैं, ये हमारा बैक बैक की साइड पे हमारा जो प्लेट्स पड़ेंगे वो है ये। तो जो हमने 3 इंच इस साइड से सिलाई से नाप लिया, 3 इंच इस साइड से सिलाई से नापेंगे दूसरे साइड पे, ठीक है। और जो हमने निशान लगाया है वो बिल्कुल ही सिलाई के किनारे पे रख के हमें इसको सिलना है। ये हमने आमने सामने की प्लेट डालनी है इसके अंदर। अभी हमने एक साइड डाल लिया, अभी ये जो इस साइड का जो 3 इंच का निशान लगाया है, इसको भी उठाएंगे और उस सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल अटैच करके सिल देंगे, जिससे कि हमारे पीछे की जो पीछे जो हमने प्लेट्स डाली हैं वो हम पूरी हो जाएंगी हमारी। बहुत ही सफाई के साथ हमें प्लेट्स डालनी है। हम निशान लगा लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे दोनों प्लेट्स इक्वल ही डलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा बैक का हो गया है, बैक की हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम सामने की डालेंगे। ये हमारा सामने की प्लेट्स डालेंगे इस वाले आसन पे, ठीक है। जो स्ट्रेट कपड़ा है हमारा, वहां पे निशान लगाएंगे। जो हमने आसन की गोलाई दी है वहां पे निशान नहीं लगाना है हमें, स्ट्रेट वाली लाइन पे हमें निशान लगाना है, ठीक है। तो हमने पहले 1.5 इंच ले लिया है, ठीक है। 1.5 इंच का मार्जिन है हमारा, मान के चलिए आपकी 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम 4 इंच 4 इंच की प्लेट्स डालेंगे, इक्वल इक्वल नाप के 4 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। कम से कम हमारी इस वाली जो सिंपल सलवार है, इसमें कम से कम 7 से 8 प्लेट ही डलती है, उससे ज्यादा नहीं डलती है, क्योंकि जो हमारा कपड़े का अर्ज होता है वो 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए हमारी 7 से 8 ही प्लेट डलती है, जो कि सिंपल सलवार हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे ही सारे तरफ। और अब हम इसको सिलेंगे। जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था ना, उसके ऊपर हम 4 इंच का जो निशान लगाया उसको 1.5 इंच पे रखेंगे। इस बार हमें सिलाई पे नहीं रखना है, हमें जो 1.5 इंच के निशान लगाया है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही हमें रखना है, 4 इंच के निशान को 1.5 इंच के निशान पे रखेंगे, ठीक है। अब आप जो दोबारा हमने 4 इंच के निशान लगाया उसको रखेंगे, जो हमने पहली वाली प्लेट डाली उसको 1/2 इंच या 1.25 इंच के गैप पे रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें सारी प्लेट्स डाल लेनी है, एक एक करके सारी प्लेट्स डालेंगे। आराम आराम से डालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही इजी होता है ये प्लेट डालना। वैसे भी हमने निशान तो लगा ही लिया, तो हमें कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। अगर हम निशान लगा के प्लेट्स डालेंगे तो हमारे जो प्लेट्स वो बिल्कुल इक्वल डलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो ऐसे ही हम निशान जो हमने लगा रखा उसको उठाएंगे और प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे हम हमारी पूरी प्लेट्स डल जाएंगी, 7 से 8 प्लेट डलती है, उससे ज्यादा नहीं डलती है इसमें, ठीक है। तो हमने एक साइड प्लेट्स जो हमने बना ली है,
अब ऐसे ही हम उस साइड भी सिलाई से लेके हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे प्लेट्स डालने के लिए, ठीक है। तभी हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है, ठीक है। 1.5 इंच के निशान पर हम जो 4 इंच का निशान लगाते हैं वो प्लेट हम हमारी पहली प्लेट डलती है, ठीक है। अब ये जो हमने 4 इंच का निशान लगाया है ना, इसको उठा के हम 1.5 इंच इस पर रखेंगे, ठीक है। ऐसे हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, या इस साइड से भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे प्लेट्स डाल के। 4-4 इंच इसका निशान बहुत होता है इसके लिए। अगर आपको सिंपल ही सलवार में बहुत सारी प्लेट्स डालनी है तो आप 2.5 इंच पर डालिए, 3 इंच पर डाल लीजिए, इससे आपके प्लेट्स बहुत हो जाएंगी। बट नॉर्मली 4 इंच की प्लेट ही डलती है, तो इसलिए मैंने 4 इंच की ही डाली है। आपकी जैसी इच्छा है वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो ये वाली प्लेट, ये जो हमने पहले वाली प्लेट डाली उसके सामने वाली डलेगी, ठीक है। तो हम ये सारा कपड़ा मशीन के अंदर ले लेंगे, ठीक है। और वो जो हमने उस साइड से डाली थी, अब हम इसको इस साइड से डालेंगे, ठीक है। वही जैसे हमने उस साइड प्लेट डाली थी वैसे ही डालेंगे। जो हमारा 1.5 इंच का निशान था उसको 4 इंच के निशान को उठा के 1.5 इंच पे रखना है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्लेट्स ही बनानी है, निशान को उठाना है और निशान के ऊपर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 1/2 इंच या 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें दूसरी प्लेट डालनी है, बस। कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसके अंदर। ऐसे ही करके हम सारी प्लेट्स डाल लेंगे। और ये हमने प्लेट्स डाल ली हैं, ये हमारी प्लेट्स बन के तैयार हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो। प्लेट डालने का बहुत ही इजी तरीका है, आप भी कर सकते हैं।